हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। टाइम हो चुका है, दिन के 2 बज चुके हैं। आज है बिटिया दिवस। सभी बिटियाओं को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे घर पे भी एक छोटी सी बिटिया है, तो मैं आज बना रही हूँ केक। मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आया था, मुझे पता ही नहीं था कि आज बिटिया दिवस है। तो उनका फ़ोन आया था कि बिटिया दिवस है, तो चलो मैंने कहा मैं केक बना लेती हूँ। और कुछ ऑप्शन था नहीं अपने पास, पाली जी बिस्किट पड़े हैं, तो मैं उन्हीं का केक बना देती हूँ। अन्या आएगी तो वो भी खुश हो जाएगी। तो चलो दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं पाली जी बिस्किट का केक कैसे बनाती हूँ। अच्छा बनता है, आप लोग भी एक बार ट्राई करना। दोस्तों, ये मैंने पाली जी बिस्किट लिए थे 3 पैकेट, और इसमें मैंने 1 चम्मच मैंने कोको पाउडर डाला, और थोड़ा सा मैंने बेकिंग पाउडर डाला, और थोड़ा सा मैंने खाने वाला जो सोडा होता है वो डाला, और उसके बाद मैंने दूध इसमें बहुत कम लगता है, और इनको सारा मिक्स अच्छे से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे मैंने ना एक कुकर ग्रीस करके रखा हुआ है, तो मैं अब इसमें डाल दूँगी बैटर। दोस्तों, मैं इसमें ना 1-2 बूंद वनीला एसेंस डाल रही हूँ खुशबू फ्लेवर के लिए, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो दोस्तों, मैंने बैटर डाल दिया है कुकर में, और कुकर की मैंने ना यहाँ पे सीटी निकाल रखी है और रबड़ भी निकाल रखा है, तो इससे मैं इसको ढक दूँगी। और मैं ना केक इसमें बनाती हूँ, यहाँ पे मैंने पैन के ऊपर मैंने पैन के अंदर मैंने ये नमक डाल के रखा है, ये गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसके ऊपर कुकर रख दूँगी, फिर मेरा केक बन जाएगा। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, केक अच्छा बनता है। इस बार का देखते हैं कैसे बनता है। दोस्तों, मेरा नमक अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब मैं इसके ऊपर कुकर रखूँगी और बार बार केक को चेक करती रहूँगी, बन जाता है केक। तो दोस्तों, मैं देखूँ केक फुला हुआ है, अभी तो बबल्स निकले हैं इस वजह से। मैं टूथपिक से चेक कर लेती हूँ एक बार, टूथपिक पे लग के, अभी टूथपिक पे हल्का सा लग के आ रहा है, तो अभी नहीं बना, तो टाइम लगेगा 5-10 मिनट। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं केक चेक कर लेती हूँ टूथपिक डाल के, टूथपिक एकदम क्लीन आ रही है, तो मेरा केक बन चुका है। तो दोस्तों, मेरा केक भी बन चुका है, और वो ठंडा हो गया है, मैंने उसको कुकर से निकाल दिया है। अभी मैं सोच रही थी कि जब तक अन्या स्कूल से आएगी तब तक मैं केक बना के उसको छुपा दूँगी कहीं पे, और मैं उसको रात को ये केक दिखाऊँगी। लेकिन जब वो स्कूल से आई तो मेरा केक उस समय बन ही रहा था, क्योंकि केक बनने में 1/2 घंटा लग गया, और मैंने लेट भी बनाना शुरू किया था, तो वो मेरे पीछे पड़ गई कि मम्मी आज ऐसा क्या है कि आप केक बना रहे हो। तो मैंने उसको बताया कि आज बालिका दिवस है, तो अब वो बोल रहे हैं कि मम्मा हम केक को डेकोरेट करेंगे और हमें कुछ सामान चाहिए, तो जाएंगे दोनों अपने लिए सामान लेके आएंगे, जैसे उनको केक चाहिए वैसे वो अपने केक को डेकोरेट करेंगे और हम फिर रात को केक काटेंगे। तो दोस्तों, आरा बानो अपने लिए सामान ले आए केक डेकोरेट करने के लिए। वाह, आरा बाने ने अपना केक कर लिया डेकोरेट। लेकिन केक ये तो बालिका दिवस का केक है ना? कौन सा है आज? आज है राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो दोस्तों, मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं कंपनी से, टाइम हो चुका है 7:30 ना कि 7 7:15 टाइम हो चुका है 7:15, और अब आने ने यहाँ पे कर रखा है ये केक डेकोरेट। तो चलो आ जाओ, काटो अनु, आ रहा बैठो नीचे। कैंडल जला दी? नहीं, कैंडल अभी जला रहे हैं। अब ये अच्छे लगे। हाँ तो मैं भी तो बिट, हाँ चलो लो फोन आ गई, पापा जाओ काट काट, पहले काट के काटो पहले। हाँ आ रहा, बोलो। ओ मेरी बिटिया को
आन्या को बिटिया दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मम्मा निकाल दो। हाँ कैंडल इधर रख दो, इधर उसमें बाउल में बुझाओ मत। और मैंने ना आन्या के लिए खीर भी बनाई है आज। हाँ अन्य केक नहीं काट पा रही है इसलिए मदद करी जा रही है। इसको ऊपर को लेंगे अपनी पूरा को ये और शेर को भी खिलाएंगे। मुझे दूध ना मैं खिलाना है शेर को। अब आलू खिलाएगी सबको। पापा को नहीं, पापा का फास्ट है। फास्ट है दादी। हाँ आपको भी खिलाते हैं। अब आप भी खिलाओ दादी को। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।